हाय गाइस, आपको मैं बता दूं कि आज जियो के कुछ नए ऑफर्स लॉन्च हो गए हैं दोस्तों। इन ऑफर के तहत आपको 5 रुपये से भी कम में 1 GB डेटा मिलता है। मैं आपको इसका पूरा प्रूफ दिखाऊंगा, और अगर आपको जानना है पूरा प्रूफ कि कैसे आपको मिल सकता है, कैसे आप इसको क्लेम वगैरह करें, तो आप इस वीडियो को आज लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे दोस्त के चैनल पर एक गिव अवे चल रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऑफर सबसे पहले जियो की वेबसाइट पर ट्रैक किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं jio.com पर, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिखा दिया गया था कि आपको 399 में 3 महीने के लिए सब कुछ अनलिमिटेड मिल जाएगा। इसको जियो का मानसून ऑफर भी कहा जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से मानसून ऑफर तो ये नहीं है। मानसून तब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो ही बात की बात। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, इसमें आपको लगभग से 5 रुपीज से कम में पर GB मिल जाता है। पहले जो आपको मिलता था वो कम से कम 4 रुपये था, तो अभी ये थोड़ी और बढ़ा दिया गया है। जियो इसमें थोड़ी से ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से ये ट्रिक उनकी काफ़ी अच्छे से काम भी करेगी। ऐसा काफ़ी महंगा नहीं है डेटा, काफ़ी सस्ता है। और जो प्लान आप देख सकते हैं वो है 40 रुपीज़, 49 रुपीज़, 96, 149, 309, 349, 399, 509, 999 और ऐसे सो ऑन काफ़ी प्लान हैं। लेकिन बात करते हैं 509, 399, 349 और 309 के प्लान की। दोस्तों, ऐसे ये सारे के सारे मेन बजट प्लान्स हैं, तो मैं इनके बारे में आज बात करूंगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि जो 309 वाला जो प्लान है, जिसमें आपको पहले 3 महीने के लिए मिलता था, इसमें आपको 3 महीने के छोड़ के आपको इसमें 2 महीने के लिए मिलता है। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ है, जैसे कि पहले थी। 100 दिन का पर मैसेजेस, और आप जैसे वॉइस कॉलिंग वगैरह करते थे वो सब वैसे ही है। इसके अलावा 128 KBPS पे आपका नेट चलने लगेगा अगर आप उसको यूज़ कर लेते हैं पूरा 1 GB। और बस इसमें ऐसा है कि आपको थोड़ी दिन कम मिल जाएंगे, आपको 28 दिन कम मिल रहे हैं। अगला जो प्लान है वो 349 का है। इसमें आपको 56 डेज़ की वैलिडिटी मिलती है, आपको 10 GB डेटा मिलता है हर मंथ का। इसका मतलब कि 10 GB आप पहले मंथ और 10 GB अगले मंथ यूज़ कर सकते हैं किसी भी वक्त। आपके ऊपर कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आज आपका 1 GB खत्म हो गया, आज आपका 2 GB, ऐसा या कोई लिमिटेशन नहीं है। आप चाहें तो आज खत्म कीजिए, कल खत्म कीजिए, महीने भर में खत्म कीजिए, कोई भी इसमें आपको लिमिटेशन नहीं मिलती है। बात करते हैं अपने आखिरी प्लान की, जो कि है 509 का। दोस्तों, जो 509 का भी है, ये भी काफ़ी बजट सेगमेंटेड प्लान है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए 2 GB डेटा पर डे के लिए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा नहीं है प्लान, काफ़ी सस्ता प्लान है, आप इसको चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलता है। इसमें आपको 56 डेज़ के लिए मिलता है डेटा, जो कि 112 GB, जो कि काफ़ी ज़्यादा है 309 वाले प्लान से। इसमें आपको 309 वाले में थोड़ी कम डेटा मिलता है, इसमें आपको थोड़ी ज़्यादा डेटा मिलता है, लेकिन डेज़ कम है थोड़ी। अगर इसके डेज़ थोड़ी सी और बढ़ा देते ये लोग, या फिर इसमें ये लोग 96 डेज़ तक कर दे, तो काफ़ी अच्छा रहता। लेकिन काफ़ी अफोर्डेबल ये प्लान है, आप इसको भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको बाय करने के लिए बस छोटा सा स्टेप करना पड़ेगा, आपको जो नीचे रिचार्ज का ऑप्शन है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पोस्टपेड यूज़र हैं तो प्लान सारे सेम हैं, बस आपको ये डेज के बल दी यहाँ पे मंथ्स में लिखा हुआ है, मतलब कुछ डेज ज़्यादा है 28 की वजह 1 मंथ है, और ऐसी सो ऑन जैसा है। अगर आपको रिचार्ज करना है आप रिचार्ज बटन पर क्लिक कीजिए, मैं आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको रिचार्ज करना है आप डायरेक्टली यहाँ से करा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टे ट्यून्ड चैनल एंड मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय।